हेलो फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिकल में हम यहाँ पे फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो है उसका सिलेंडर हेड है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन का जो सिलेंडर हेड है, ठीक है। अब इसमें कौन सा पोर्शन क्या है उसके बारे में समझते हैं, सबके बारे में डीपली। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाल्व्स यहाँ पे जो है, ये क्या है तो कि यहाँ पे वाल्व स्प्रिंग्स लगी हुई होंगी, कि वाल्व स्प्रिंग जो होगी वो क्या करेगी, उसको रिटेन करती होगी, यानी वाल्व कॉम्प्रेस करना और रिटेन करना उसका काम रहेगा, ठीक है। क्योंकि वाल्व कॉम्प्रेस जो है, कैम जो है उसके लॉक के थ्रू यहाँ से जो वाल्व है वो ओपन क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, वो रोकर शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होके, तो वहाँ से जो वाल्व ओपन क्लोज हो रहे हैं उसको रिटेन करने के लिए यहाँ पे वाल्व स्प्रिंग्स लगी होगी। ये जो है वो सिलेंडर हेड का ऊपर का पोर्शन है। अब यहाँ पे ये जो होल्स दिए हुए हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो भी होल्स दिए हुए वो क्या है तो कि वो यहाँ पे रोकर शाफ्ट लग रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो उसका साइड व्यू है, तो साइड व्यू में देखे तो हम यहाँ पे चार होल्स दिख रहे हैं हमको। अब ये चार होल्स किसके, ये समझते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे भी चार होल्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ की जो डिज़ाइन है और इस साइड की जो डिज़ाइन है आप देख सकते हो कि वो दोनों अलग अलग है। अब ये दोनों होल्स कौन से और ये दोनों होल्स, यानी ये इस साइड के चार होल्स और इस साइड के चार होल्स, यहाँ पे भी मैनिफोल्ड लगती है, यहाँ पे भी मैनिफोल्ड लगती है, लेकिन कौन सी मैनिफोल्ड कौन से साइड लगती है, तो इसको समझने के लिए हम एक फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वो हम समझते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सिलेंडर हेड को हमने उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कम्बसन चैम्बर जो है, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर वाल्व दिख रहे हैं हमको। हर एक सिलेंडर में दो वाल्व है, ठीक है, ये एक सिलेंडर, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सिलेंडर है उसमें ये एक वाल है, ये एक वाल है। अब हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एग्जॉस्ट वाल कौन सा है और इनलेट वाल कौन सा है, कि एग्जॉस्ट और इनटेक वाल को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ऊपर से तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उसको आइडेंटिफाई करने की एक प्रोसेस है कि एग्जॉस्ट वाल जो होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं इनटेक वाल से, क्यों, तो कि सिलेंडर के अंदर हमको फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो ज़्यादा चाहिए और सफिशेंट एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर में आसानी से पहुंच पाए, इसलिए हम इंटेक वाल जो होता है उसको हम क्या रखते हैं, बड़ा रखते हैं, जिसकी वजह से जो इंटेक वाल अगर बड़ा है तो वो ये जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटेक वाल है वो और यहाँ पे हम जो एग्जॉस्ट वाल है उसको हम देखें, जैसे कि तो दोनों की साइज हमको समझ में आएगी कि यहाँ पे इंटेक और एग्जॉस्ट आप देख सकते हो, लेफ्ट वाला जो वाल है वो एग्जॉस्ट वाल जो साइज में छोटा है और राइट वाला जो वाल है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा है, क्यों, तो कि जैसे हम पानी की पिचकारी को हम समझते हैं तो पानी की पिचकारी में हमको समझ में आता है कि आगे जो एग्जॉस्ट पोर्शन है वो छोटा होता है, फिर भी जैसे हम थ्रस्ट लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वैसे ही अंदर जितना भी पानी होता है वो बाय फोर्सली बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल जो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि पिस्टन उस दौरान बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है, जिसकी वजह से अपवर्ड थ्रस्ट की वजह से एग्जॉस्ट गैसेस सभी आसानी से बाहर चले जाते हैं, लेकिन पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है उस दौरान सक्शन स्ट्रोक चल रहा होता है, उस दौरान सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट होता है और वो वैक्यूम के दौरान यहाँ पे इंटेक मैनिफोल्ड से ये इंटेक वाल्व के जरिए यहाँ से क्या एयर फ्यूल मिक्सर आता है, तो वो एयर फ्यूल मिक्सर सफिशेंट आ जाए सिलेंडर में, उसके लिए यहाँ पे जो इंटेक वाल है वो क्या रखना पड़ता है, एग्जॉस्ट वाल से बड़ा रखना पड़ता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके आगे समझते हैं, यहाँ पे आप ग्रूव्स देख रहे हो, ये जो ग्रूव है वो स्पार्क प्लग का ग्रूव है, चारों चार सिलेंडर में आप देख सकते हो। अब ये वाल जो है तो उसके बारे में हम और स्टडी करें, तो जैसे कि हम ये वाल को बाहर निकाल दें पहले, तो वाल के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा होल दिख रहा है। सबसे पहले तो यहाँ की जो एक जगह है ये, तो ये जो एक एंगल वाली जगह है, जैसे कि यहाँ वाल में आपको थोड़ा चमकीला पोर्शन दिख रहा है जिसको हम वाल फेस कहते हैं, वैसा है यहाँ पे, तो जिसको क्या बोलते हैं, वाल सीट बोलते हैं, कि ये जो वाल फेस का जो पोर्शन है वो वाल सीट में आसानी से बैठ जाता है इस तरीके से, यानी कि वो लीकेज नहीं होने देता सिलेंडर के अंदर। नहीं तो क्या होगा कि अगर वाल क्लोज है फिर भी अगर वाल सीट के अंदर थोड़ी सी भी माइनर भी कहीं पे जगह रही, तो अगर वाल थोड़ा इस तरीके से रहा, यानी वाल सीट पे थोड़ा बैठा हुआ नहीं है, तो वहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो क्या होने लगेगा, लीक होने लगेगा। सपोज कि ऐसा एग्जॉस्ट में हो रहा है तो एग्जॉस्ट में भी ऐसा ही होने लगेगा, जैसे कि एग्जॉस्ट वाल अगर सही से बैठा नहीं है, ठीक है, इस तरीके से, तो अंदर जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा और एग्जॉस्ट वाल से बाहर निकल जाएगा।
और स्कैवेंजिंग के फिनोमिनन्स और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम सिलेंडर में क्रिएट हो सकती है। अब इसके आगे हम समझते हैं तो कि ये जैसे हम वाल निकालते हैं तो वाल आप देख सकते हो अंदर एक और हॉल है जिसके अंदर एकदम परफेक्ट फिट टू फिट आ रहा है, तो वो जो है जिसको हम वाल गाइड कहते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि जिसको हम क्या कहते हैं, वाल गाइड कहते हैं, कि वाल गाइड के अंदर जो वाल होता है यानी कि वो वाइब्रेट ना हो, ऑसिलेट ना हो, और उसकी जो मोमेंट है वो परफेक्ट एग्जैक्ट रेसिप्रोकेट होती रहे, जिसके लिए यहाँ पे वाल गाइड रखा जाता है। और वाल गाइड जो है उसके अंदर क्या होता है कि वाल स्टेम यानी ये जो पोर्शन होता है वो रखते हैं, यानी कि वो रहता है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि वो जो वाल स्टेम है वो वाल गाइड के अंदर रेसिप्रोकेट होता रहता है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो क्या अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दूसरे होल्स, जिस तरीके से ये आप देख सकते हो ये है, ठीक है, ये राउंड नहीं, ये 1 2 देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इस तरीके से, ठीक है, ये हॉल है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो ये होल्स किस लिए है, तो कि ये जो है वो कूलिंग के लिए है, कूलेंट, क्योंकि ये वाटर कूलिंग सिस्टम है, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजिन है, पेट्रोल इंजिन है, इसलिए हम यहाँ पे कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। कौन सी, तो क्या वाटर कूलिंग सिस्टम। तो यहाँ से जो कूलेंट है वो अंदर से पास आउट होता है इसके अंदर से, ठीक है। तो ये जो है वो जिसको हम वाटर जैकेट्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर जैकेट्स। जबकि कि ये जो होल है ये जो है वो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक दोनों को कनेक्ट करने के लिए, जिसको हम ब्लॉक बोल्ट कहते हैं, जिससे इसको हम कनेक्ट करते हैं। यानी कि जैसे कि ये एग्जॉस्ट वाल है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जॉस्ट वाल है तो इस साइड का पोर्शन क्या होगा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और इस साइड का पोर्शन क्या होगा, इनटेक मैनिफोल्ड। यानी अब आपको सिलेंडर हेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, और सिलेंडर हेड जो होता है वो कास्ट आयरन से बनता है, यानी इसको कास्टिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। Thank you.